आज हम क्षितिज हिंदी बुक से कक्षा 9वीं में पाठ 17 में पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले देखेंगे हम कि ये पाठ किसमें लिखा, इसके लेखक कौन से हैं। तो इनके लेखक हैं राजेश जोशी। लेखक कौन है? राजेश जोशी। इनका जन्म नरसिंहगढ़ में जिले में हुआ था 1946 में। इनका जन्म हुआ था नरसिंहगढ़ में, है ना। इनकी रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़। रचनाएं क्या है? एक दिन बोलेंगे पेड़। छियालीस में जन्म हुआ और इनकी रचना क्या है? एक दिन बोलेंगे पेड़। अब हम देखेंगे कि क्या है पाठ का। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? एकाएक इसका भावार्थ है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि ने अपने मन में बताया है, उठ रहे सवालों को बयां किया है कि क्या बच्चों की खेलने की जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे खेला करते थे, वहाँ पर सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं और बच्चों के कपास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए वे सुबह उठकर काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह की है सारी चीजें हसवा मासूल। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें अब इन लाइनों में, पंक्तियों में बताया कवि के अनुसार कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं इसलिए क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन आदि इत्यादि सब खत्म हो चुके। लोगों ने बगीचों के पास मकान बना चुके। आजकल के देखा होगा बच्चों, बगीचे अब कम बचे हैं, तो जगह ही नहीं बची, तो वहाँ के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। उसी का वर्णन कवि ने किया है। उनके पढ़ने के ये सारी किताब विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। कभी आगे कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं होता। परंतु कभी को इससे भी ज्यादा भयानक तब लग रहा है जब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कभी हताश होकर निराश हो जाते हैं और कभी कहते हैं कि समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल हुए। कभी के अनुसार बचपन खेल कूद पढ़ाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है, इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अब कभी कह रहे हैं यहाँ पर किस पर जोर दिया है कभी ने? बाल श्रम पर। छोटे छोटे बच्चे गरीबी के कारण बाल श्रम करने के लिए रोजी रोटी कमाने निकल जाते हैं। अब बताया है कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल श्रम के लिए जा रहे हैं। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई इसलिए शायद बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब यह देखते हैं कि जगह दुनिया में भरी पड़ी है पर चिंता घर कर जाती है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि
कि सारी चीजों के मौजूद होने काम पर जा रहे हैं। और छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम के लिए जाने के लिए विवश है, इसलिए उन्होंने हमारे सामने प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। काहे पर जोर दिया है इस कविता में? बच्चे काम पर जा रहे हैं बाल श्रम के बारे में। अब है कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे कि कोहरा यानी धुंध। जैसे अभी सुबह सुबह कोहरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? धुंध। मदरसा यानी विद्यालय, जो जहाँ पर मुस्लिम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उसे हम मदरसा बोलते हैं। फिर हस्म मामून यानी यथावत। अंतरिक्ष यानी आकाश, पंक्ति यानी कतार, एकाएक यानी अचानक। फिर प्रश्नों के अभ्यास, कविता की पहली दो पंक्तियों में पढ़ने तथा विचार करने के लिए आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी जो कविता हमने पढ़ी ना अभी बाल श्रम के बारे में, उसके बारे में कभी प्रश्न है ये, उसका उत्तर है कि कविता की पहली पंक्तियों दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है, बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उभरता है। छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए ना चाहते हुए भी ठंड में सुबह सुबह उठकर मजदूरी करने जा रहे बाल श्रम करने जाना पड़ना। फिर है कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण किस तरह सवाल उठाए लेकर यह पूछना जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप प्रश्न, और कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना उचित माना। फिर आंसर देखेंगे कि बच्चों की इस स्थिति को का जिम्मेदार कौन है? समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा तो समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होगा। लोगों को बैठकर ही विमर्श करके इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। फिर सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। यानी उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं है, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, वीडियो देखना, ये सब चीजों के साधन नहीं है। फिर बच्चों को ना चाहते हुए भी माता पिता का हाथ बजाना पड़ रहा है, जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और सुख सुविधाओं की कल्पना तो करना असंभव सा लगता है। फिर दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, कुछ हटपटा नहीं लगता क्या? इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के कई कारण हो सकते, जैसे लोग आत्मकेंद्रित होने के साथ साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, दूसरों के कष्टों से कोई नहीं, उनको समझना ना प्रयास करना। कई लोगों में तो जागरूकता की भी कमी है, उन्हें यह भी नहीं पता पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाग्य को ही दोष देते हैं। फिर है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चे इस देश का भविष्य है, यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी पिछड़ी हो जाती है, देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उनके बचपन से वंचित रखना बाल अपराध भी है और अमानवीय कार्य है, इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अब है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, बताएं। तो हम इधर पे विचार लिख सकते कि अपने विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए,
कारण बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनके मन भावुक है बचपन के।